दोस्तों अगर आप भी ऋषभ पंत को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो का लाइक टारगेट है मात्र 500 लाइक्स, इसलिए लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों 12 मार्च को भारतीय टीम को इंग्लैंड के खिलाफ पहला T20 मैच खेलना है और इस पहले T20 मुकाबले में स्टार बल्लेबाज ऋषभ पंत की वापसी हुई है। लेकिन दोस्तों इससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि ऋषभ पंत और KL राहुल में कौन एक बेहतर विकेट कीपर बल्लेबाज है? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में इतना शानदार प्रदर्शन किया कि भारत इस सीरीज को 3-1 से जीत गई। इसके बाद अब भारतीय टीम को इंग्लैंड के साथ 5 T20 मैचों की बड़ी सीरीज खेलनी है, जिसमें पहला T20 मुकाबला 12 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाना है। इसके साथ ही हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि भारतीय टीम में कौन से बदलाव हुए हैं, किन खिलाड़ियों की वापसी हुई है और किन खिलाड़ियों को आराम दिया गया है। साथ ही पूरी भारतीय प्लेइंग 11 क्या है आपको बताएंगे, जो पहले T20 मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ खेलती हुई नजर आ सकती है। दोस्तों इंग्लैंड के पहले T20 मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली को आराम दिया जा सकता है, क्योंकि इसके बाद ही IPL आने वाले हैं और लंबे समय तक कप्तानी करनी पड़ेगी उन्हें, और उसके बाद T20 वर्ल्ड कप भी खेलना है। तो हो सकता है कि विराट कोहली को पहले T20 मुकाबले में आराम दिया जाए और वो खेलते हुए नजर ना आए, और पहले T20 मुकाबले में टीम की कमान रोहित शर्मा के कंधों पर हो सकती है। ऐसे में विराट कोहली की जगह टीम में KL राहुल को शामिल किया जा सकता है, क्योंकि T20 फॉर्मेट में KL राहुल का प्रदर्शन ऑस्ट्रेलिया दौरे पर बहुत ही शानदार रहा था और उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की जमकर पिटाई की थी, जिसको ध्यान में रखते हुए KL राहुल की टीम में वापसी होने की संभावना है। इसके साथ ही नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए ईशान किशन टीम में खेलते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि ईशान किशन ने सभी को अपने खेल से प्रभावित किया है और विजय हजारे ट्रॉफी में अपना उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए दावेदारी पेश की है। और नंबर 4 पर सूर्य कुमार यादव को जगह दी जा सकती है, क्योंकि विजय हजारे ट्रॉफी में शानदार बल्लेबाजी के साथ ही उनका सिलेक्शन भारतीय टीम में इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए हो गया था, जिसके बाद पहले T20 मुकाबले में वो खेलते हुए नजर आ सकते हैं। इसके साथ ही श्रेयस अय्यर, जो कि टीम में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी शामिल थे, उन पर मिडिल ऑर्डर में टीम को संभालने की जिम्मेदारी होगी। इसके साथ ही ऋषभ पंत को फिर एक बार T20 टीम में शामिल किया गया है। पंत शानदार फॉर्म में है, जिनके टीम में आते ही इंग्लैंड के पसीने छूट रहे हैं। इसके साथ ही अब भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को फिर से एक बार टीम में शामिल किया गया है। वो टेस्ट टीम में भारतीय टीम का हिस्सा तो थे, मगर प्लेइंग 11 में उन्हें मौका नहीं मिल पाया, लेकिन अब T20 मैच से पहले प्रैक्टिस में उन्होंने अपने जौहर दिखाते हुए टीम में अपनी जगह बनाई है। इसके साथ ही फिरकी के जादूगर यजुवेंद्र चहल बतौर स्पिनर भारतीय टीम के लिए खेलते हुए नजर आ सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी उन्होंने अपनी फिरकी के जाल में बहुत से कंगारू बल्लेबाजों को अपने जाल में फंसाया था। इसके साथ ही तेज गेंदबाजी की बात करें तो तेज गेंदबाज के तौर पर टी नटराजन, शार्दुल ठाकुर और दीपक चहर भारतीय टीम को तेज गेंदबाजी से जल्द ही विकेट दिलाने में कामयाब हो सकते हैं। इसके साथ ही पहले T20 मुकाबले में कुछ इस तरह की प्लेइंग 11 देखने को मिल सकती है, जो कि पहले T20 मुकाबले में इंग्लैंड को धूल चढ़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, KL राहुल और रोहित शर्मा में से किसे पहले T20 मुकाबले में कप्तान बनाया जाना चाहिए? इस बात का जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।